नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेयर लॉस के बारे में बात करने के पहले हम बताएंगे दोस्तों कि पढ़ना क्या चाहते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में, फिर उसके कॉजेस क्या होते हैं उसके बारे में, फिर पढ़ेंगे दोस्तों उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट एंड लास्ट में देखेंगे कि प्रिकॉशन अपने को क्या क्या लेना है। तो अब बात करेंगे दोस्तों हेयर लॉस जो होता है इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन के बारे में हम सबसे पहले तीन पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि हेयर लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एलोपेशिया। जी हाँ दोस्तों, एलोपेशिया मतलब गंजापन। जी हाँ दोस्तों, जब भी अपने बाल झड़ने लग जाते हैं तो अपने जो स्काल्प एरिया पूरा गंजा हो जाता है, इसलिए उसको एलोपेशिया के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड नंबर की बात, इट इज ए डिसऑर्डर कॉज बाय इंटरप्शन इन द बॉडीज हेयर प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है इंटरप्शन। इंटरप्शन का मीनिंग ऐसा होता है कि वहां पर कोई तरह की बाधा या कोई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से वो हेयर प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाते। थर्ड नंबर की बात है कि इट इज मोस्टली ऑकर इन द स्काल्प। जी हां, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हेयर लॉस की अपने को देखने को मिलती है, ये आपकी स्काल्प के रीजन में देखने को मिलती है। ये स्काल्प वाले रीजन में सबसे ज्यादा हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो अब बात करेंगे दोस्तों हेयर लॉस के कॉजेस के बारे में। हेयर लॉस के कॉजेस के बारे में हम कुछ 10 कॉजेस की बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखते हैं, सबसे पहला कॉजेस तो स्पाइसी फूड एंड एक्सट्रीम डाइट। जी हाँ दोस्तों, आजकल का हमारा जो रहन सहन बदल गया है, हमारा खान पान बदल गया है, जिस वजह से हम क्या स्पाइसी फूड की तरफ जा रहे हैं। हम डोमिनोज का पिज्जा खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, हम सैंडविच खाएंगे, हम इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, घर की चीज़ें तो खाते ही नहीं है हम, बोलते फिर बाल झड़ गए। तो इसका मेन रीजन ये भी होता है, डोमिनोज का पिज्जा भी इससे मतलब रिलेट करता है और तुम्हारा बर्गर भी इससे रिलेट करता है। फिर एक्सट्रीम डाइट। जी हाँ दोस्तों, हम खाने में एकदम हाई लेवल का खाना खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स ना मिलता है, लेकिन अलग अलग तरह का स्पाइसी फूड खा लेते हैं, वो भी एक रीजन इसका हो सकता है। सेकंड नंबर की बात, माल न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, माल न्यूट्रिशन मतलब ऐसा हो गया कि अपन क्या कर रहे हैं, मिनरल्स और विटामिन जैसी चीज़ें होती है इनका अपने बॉडी में कमी। अभी कमी किस तरह से होती है, सबसे पहली बात अगर बालों को झड़ना कम कराना है तो बालों में मिनरल्स और विटामिन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहली बात करें विटामिन की, तो विटामिन बी जिसमें बायोटिन होता है, मतलब राइबोफ्लेविन होता है, ये जो चीज़ें हैं, ये विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे बालों को झड़ने को कम करने के, बालों की हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए। साथ में मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम आ जाएगा, इसमें जिंक आ जाएगा, और प्रोटीन की बात करें तो केराटिन नाम का प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम इस मिनरल्स की कमी की वजह से मिनरल्स अपने डाइट में नहीं लेते जिस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। थर्ड नंबर की बात करेंगे फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे दैनंदिन जीवन में अलग अलग घटनाओं के साथ साथ हमारे जो जीवन का जो स्ट्रेस है वो बढ़ते जाता है। फिजिकली स्ट्रेस रहते हैं हम, साथ ही मेंटली भी स्ट्रेस रहते हैं, खास करके फीमेल भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है एंड मेल लोग भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये रीजन होता है स्ट्रेस में रहने की वजह से भी क्या होता है, बालों का झड़ना एकदम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन भी एक प्रॉब्लम हो जाती है तुम्हारे बालों के झड़ने के लिए। फोर्थ नंबर की बात करें दोस्तों माइग्रेशन। अब देखो माइग्रेशन एक वर्ड, देखो माइग्रेशन क्यों बोला मैंने। जी हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब जैसे ही हमको कोई जॉब लग गई या कमाने के लिए या कहीं रहने के लिए, तो एट द टाइम हम क्या करते हैं, हम अपना घर छोड़ के अपना एरिया छोड़ के कहीं और जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे स्थायी हो जाते हैं, वहाँ रेसिडेंसी एरिया अपना बना लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, हमारा हर चीज़ बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, वहाँ का नहाने का पानी, खाने का पीने का पानी, एवरीथिंग वहाँ पर चेंज हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, पानी अगर बदल गया तो पानी के वजह से भी अपना क्या होता है हेयर लॉस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को। अगर पानी बदल गया, पीने का पानी या नहाने का पानी भी अगर बदल गया, उस वजह से भी अपने को क्या हेयर लॉस देखने को मिलता है। माइग्रेशन ही में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइग्रेशन की वजह से भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे दोस्तों हेल्थ इश्यू। अब हेल्थ इश्यू में कुछ मैं डिसीज की बात करूंगा, जैसे किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या किसी को तुम्हारा कैंसर की प्रॉब्लम है, या थर्ड नंबर की बात करेंगे किसी को अगर तुम्हारा हाइपोथायराइडिज्म है या थायराइड की कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, ऐसी भी कंडीशन में अपने को क्या हेयर लॉस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जेनेटिक हेरिडिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के दादाजी को, नानी को, नाना को अगर कोई प्रॉब्लम होगी हेयर लॉस की, तो जिस वजह से उनके आगे भी जो पीढ़ी आती है, ऐसे हम जैसे लोग हैं, उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है हेयर लॉस की। फिर बात करेंगे बहुत जबरदस्त वाली बात लास्ट में देखेंगे सातवें नंबर की, यहाँ पर दिया है दोस्तों
मेडिकेशन का अब्यूज करना। मेडिकेशन अब देखो दोस्तों काफ़ी चीज़ होती है, जैसे कि हम कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो बिना डॉक्टर की सलाह से खुद ही मतलब होम रेमेडीज समझ के खा लेते हैं, लेकिन ये बहुत रॉन्ग है दोस्तों। इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एलर्जी होती है, एलर्जी का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अपने बाल झड़ सके, तो ये प्रॉब्लम होती है। तुम्हारी मेडिकेशन के अब्यूज के ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन यूज करना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट में डिहाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पानी अगर बहुत कम पिएगे तो पानी जितना कम पिएगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको हेयर लॉस की, तो ये पानी की वजह से भी होता है। इसलिए डिहाइड्रेशन में तो अपने सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करिए, पानी एकदम प्योरीफाइड ल्यूकॉम वाटर अगर जितना ज़्यादा यूज कर दो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। फिर बात करें दोस्तों 9th नंबर की प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको 9th मंथ के कंडीशन में हेयर लॉस की ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस तरह से तुम्हारा 9 कॉजेस है तुम्हारे हेयर लॉस के बारे में। तो अब बात करेंगे दोस्तों हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के पहले उसके प्रिवेंशन के बारे में, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है हेयर फॉल के कंडीशन में। सबसे पहले कंडीशन है कि टेक हेल्दी डाइट। जी हां दोस्तों, आपको हेल्दी डाइट लेना है, साथ में एक्सरसाइज रेगुलरली। जी हां दोस्तों, अपने बालों की एक्सरसाइज, अपने स्काल्प की एक्सरसाइज भी डेली करना है, साथ में अपनी जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है वो भी करना है। 3rd नंबर की बात, वॉश योर हेयर ट्वाइस अ वीक विद माइल्ड शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते में अपने 2 बार अपने हेड के जो हेड को पूरी तरह से वॉश करना है विद माइल्ड शैम्पू। माइल्ड शैम्पू मतलब ऐसा शैम्पू जो सल्फेट लेस रहता है, ऐसा शैम्पू जिसमें सल्फेट नहीं रहता, उन शैम्पू का यूज करके अपने क्या करना है हेड को हफ्ते में 2 बार वॉश करना है। देन 4th नंबर की बात करके क्लीन स्काल्प डेली। जी हाँ दोस्तों, अपने स्काल्प को रोजाना क्लीन रखें, कोई भी तरह का डैंड्रफ अगर भी हो गया डैंड्रफ की वजह से अपने को हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। फिर बात करें अवॉइड केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना है। ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट जैसे अपन क्या करते हैं हेयर की कलरिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, केराटिन प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, केराटिन थेरेपी करते हैं, ऐसे जिस तरह के जो केमिकल ट्रीटमेंट्स रहते हैं दोस्तों इसको अपने अवॉइड करना है। ये भी क्या होता है, इनसे हेयर लॉस तो नहीं होता लेकिन इनसे क्या होता है अगर किसी के हेयर लॉस हो रहे हैं एट दैट टाइम उसकी जो कंडीशन है वो एकदम ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इस तरह से बताएंगे दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, मतलब 100 से ज़्यादा, एक दिन में 100 या 150 बाल से ज़्यादा अगर बाल अगर आपके झड़ रहे हैं, ऐसे में दोस्तों आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, उनकी सलाह से ही दवाई लीजिए। फिर भी मैं कुछ आपको ही जैसी सलाह देना चाहता हूँ कुछ दवाइयों की जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो आप सुनिए दोस्तों ध्यान से। सबसे पहली बात है दोस्तों, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हार्मोनल इम्बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सबसे पहले क्या कराएंगे आपकी वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, उसमें थायराइड हार्मोन चेक कराएंगे, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन ई की ऐसी कुछ टेस्ट कराएंगे जिनकी अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी दिखती है उसके बाद आपको क्या कराएंगे वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड में सबसे पहले कराएंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे विटामिन B12 के, विटामिन D3 और विटामिन ई कंटेनिंग जो सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। 2nd नंबर की बात करेंगे हेयर सीरम। जी हाँ दोस्तों, हेयर सीरम प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्या कंटेंट रहता है उसमें रहेगा दोस्तों प्रोकैपिल और कैपिजिल। कैपिजिल और प्रोकैपिल जो हेयर को स्ट्रांग बनाते हैं, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, हेयर को झड़ने से रोकते हैं, ऐसे दो जो कंटेंट से मिला हुआ अपने से हेयर सीरम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में मिनरोक्जिन जो लोशन होता है, ये मिनरोक्जिन लोशन क्या करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को प्रोवाइड करता है जिस वजह से आपके बाल कम झड़ते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात की बाल नए कभी नहीं उगते, बाल वही जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं उसी हेयर फॉलिकल्स से जो रहते हैं वो बाल जो रहते हैं झड़ना कम होता है, उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन उस हेयर फॉलिकल्स अगर डेड हो गया तो वहाँ से नया बाल नहीं उगता। इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों। इस तरह से केयरटेकर डॉक्टर पी के चैनल के साथ आपने हेयर लॉस किस तरह से होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जान लिया है। सो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए डॉक्टर केयरटेकर डॉक्टर पी के साथ, क्योंकि केयरटेकर डॉक्टर पी के ही आपकी हेल्थ का ध्यान रखेगा।